हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज हम पढ़ेंगे एफ्रा बेन के बारे में। बट बिफोर गोइंग अहेड, मैं आपको बता दूं कि आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड हो सकते हैं, ये यूज़र नेम है। आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर इंस्टाग्राम का यूज़र नेम लिखा हुआ है। एंड यू कैन डायरेक्टली डी एम मी ओवर देयर एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज, डाउट्स एंड योर क्वेश्चंस। तो चलिए अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे एफ्रा बेन के बारे में। एफ्रा बेन का लाइफ स्पैन है 1640 टू 1689। ये एक इंग्लिश प्ले राइट, पोएट, ट्रांसलेटर, फिक्शन राइटर रह चुकी हैं। ये किस एरा से बिलोंग करती थी? ये रेस्टोरेशन एरा से बिलोंग करती थी। शी वॉज द फर्स्ट इंग्लिश वुमेन नोन टू अर्न हर लिविंग बाय राइटिंग। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि ये पहली ऐसी फीमेल राइटर थी जिन्होंने राइटिंग के थ्रू, बाय राइटिंग, शी अर्नड हर लाइवलीहुड। दैट मीन्स कि सीधी भाषा में अगर हम समझें तो इन्होंने लिख कर पैसा कमाना शुरू किया। ठीक है, ये राइटिंग किया करती थी, राइटिंग के थ्रू इन्होंने पैसा कमाना शुरू किया था। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर यह आ जाता है कि फिर इस बात को डिस्कस करना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? और यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज भी हो सकते हैं ये देख कर यहाँ पर फर्स्ट इंग्लिश वुमन लिखा है। देखिए दोनों ही डाउट क्लियर करते हैं। पहली बात तो ये है, यहाँ पर जो ये फर्स्ट इंग्लिश वुमन लिखा है ये किस लिए लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि ये पहली ऐसी वुमन राइटर थी जिन्होंने राइटिंग के थ्रू अपने लाइवलीहुड को अर्न किया। लेकिन कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं ये सोचकर कि ये पहली फीमेल राइटर थी। नो, ये पहली फीमेल राइटर नहीं थी, इनकी कंटेम्प्रेरी फीमेल राइटर्स भी रही हैं। लेकिन जो इनकी कंटेम्प्रेरी फीमेल राइटर्स थी उनमें से एफ्रा बेन एक पहली ऐसी वुमेन राइटर थी जिन्होंने लिख कर पैसा कमाना शुरू किया था। इसके पीछे भी रीज़न है, जैसे जैसे स्लाइड्स चेंज होंगी वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा रीज़न है। अब एफ्रा बेन जो थी उन्होंने कल्चरल बैरियर्स को ब्रेक डाउन किया है। एंड कल्चरल बैरियर्स को ब्रेक डाउन करने का मतलब क्या है कि रेस्टोरेशन एरा में होता ये था कि वुमेन राइटर्स को इतने राइट नहीं थे जितने अधिकार मेल राइटर्स के पास थे। बट एफ्रा बेन इतनी वोकल थी कि उन्होंने, अगर हम थीम की बात करें इनके वर्क में, तो इन्होंने उन थीम्स को उठाया जो थीम्स उस टाइम पर मेल राइटर्स लिखा करते थे। ओके, मतलब जिस थीम पर मेल राइटर्स लिखा करते थे वो कंट्रोवर्शियल थीम्स एफ्रा बेन ने उठाई। एफ्रा बेन ने वुमेन के बारे में बात की, सेक्सुअल डिज़ायर्स के बारे में बात की, एंड ऐसी अदर थीम्स जो उस टाइम पर मेल राइटर्स लिखा करते थे उन थीम्स को उठाकर इन्होंने अपने वर्क में लिखा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इन्होंने कल्चरल बैरियर्स को ब्रेक किया। एंड नॉट ओनली दिस, बाद में जो लेटर जनरेशंस की वुमेन ऑथर्स आई उनके लिए एफ्रा बेन एक रोल मॉडल की तरह सामने आई। मतलब लेटर जनरेशंस में जितनी वुमेन ऑथर्स थी दे लुक्ड अप टू एफ्रा बेन फॉर इंस्पिरेशन। अब हम एफ्रा बेन के कंटेम्प्रेरी जो फीमेल राइटर्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ऑल दो एफ्रा बेन वॉज नॉट द फर्स्ट वुमेन इन इंग्लैंड टू पब्लिश अ प्ले, जैसा कि मैंने कहा कि एफ्रा बेन पहली वुमेन नहीं थी, बल्कि इनकी और कंटेम्प्रेरी राइटर्स भी थी जिन्होंने बहुत सारे प्लेज को पब्लिश किया है। तो हम कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेके चलते हैं। जैसे कि अगर हम 1613 की बात करें, एलिजाबेथ कैरी हैड पब्लिश्ड द ट्रेजेडी ऑफ मीरियम। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1650s में, तो मार्गरेट कैवेंडिश जो थी उन्होंने एक प्ले के टू वॉल्यूम्स को पब्लिश किया। अगर हम 1663 की बात करें, कैथरीन फिलिप्स डिड अ ट्रांसलेशन ऑफ कॉर्नियल्स पॉम्पे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है, मैं बताती हूँ कैसे। देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे आ सकता है कि 1663 में जो कैथरीन फिलिप्स हैं इन्होंने किसके वर्क को ट्रांसलेट किया? तो किसके वर्क को ट्रांसलेट किया, एक जो फ्रेंच राइटर थे। ये कौन से राइटर थे? फ्रेंच
फ्रेंच राइटर, तो इन्होंने फ्रेंच राइटर कॉर्नियल के वर्क को ट्रांसलेट किया, तो उस वर्क का नाम क्या है? पोम्पी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये नहीं पूछा जाएगा कि कैथरीन फिलिप्स ने कॉर्नियल के जिस वर्क को ट्रांसलेट किया उस ट्रांसलेशन का नाम क्या है। तो मतलब यहाँ पर ट्रांसलेशन का नाम नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि कॉर्नियल के किस वर्क को ट्रांसलेट किया, तो ये किया था पोम्पी को। पोम्पी जो है इसका पूरा नाम अगर हम देखें, पूरा सब टाइटल है द डेथ ऑफ पोम्पी। ओके, तो यहाँ पर ये हमने जो है कुछ एग्जाम्पल देखे, जैसे कि एलिजाबेथ कैरी, मार्गरेट कैवेंडिश, कैथरीन फिलिप्स, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि एफ्रा बेन की अदर फीमेल जो हैं वो कंटेम्प्रेरीज भी रही हैं, जो फीमेल राइटर्स थी, लेकिन उनमें से शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू अर्न हर लाइवलीहुड ओनली बाय राइटिंग। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बेन्स लाइफ इज स्कैंट, स्पेशली रिगार्डिंग हर अर्ली ईयर्स। अगर हम बेन्स के अर्ली ईयर्स में चलें, तो इनकी अर्ली ईयर्स में हमें इतनी इंफॉर्मेशन एफ्रा बेन के बारे में नहीं मिलती है, और बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूज़न भी हैं कि एफ्रा बेन के फादर एंड मदर कौन थे, इसके बारे में भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है। लेकिन स्टिल हम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि दो ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने क्लेम किया था जो एफ्रा बेन को जानते थे। बट उससे पहले जो अदर डिस्क्लेमर आए कि इनके फादर का नाम क्या था, मदर का नाम क्या था, वो भी पढ़ लेते हैं। वन वर्जन ऑफ हर लाइफ सेज दैट शी वॉज बोर्न टू अ बार्बर नेम्ड जोन एमिस, कि ये जोन एमिस जो कि इनके फादर का नाम था और ये थे एक बार्बर, ये उनकी डॉटर थी, और जोन एमिस जो हैं उनकी वाइफ थी एमी, जो कि बेन की मदर थी। तो इसीलिए कभी कभी एफ्रा बेन को एफ्रा एमिस बेन भी कहा जाता है, राइट? अनदर स्टोरी क्या कहती है कि जो एफ्रा बेन है, शी बोर्न टू अ कपल नेम्ड कूपर, मतलब कूपर नाम की एक फैमिली थी, वहाँ पर ये बोर्न हुई थी। थर्ड स्टोरी क्या है? देखिए, चार्ल्स गिल्डन जो थे, उन्होंने एक वर्क लिखा था। कौन थे? चार्ल्स गिल्डन। मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ, चार्ल्स डी है यहाँ पर, गिल्डन, ठीक है। द हिस्ट्रीज एंड नॉवेल्स ऑफ द लेट इंजीनियस मिसेस बेन, ये वर्क लिखा था चार्ल्स गिल्डन ने। तो चार्ल्स गिल्डन ने जब ये वर्क लिखा, यहाँ पर इन्होंने ये क्लेम किया कि एफ्रा बेन के फादर का नाम था बार्थोलोम्यू जॉनसन, जो कि एक बार्बर थे, एंड एफ्रा बेन की मदर का नाम था एलिजाबेथ डेनहम, जो कि एक नर्स थी। अब इसके बाद आते हैं थॉमस कॉलपेपर। इन्होंने ये क्लेम किया दैट कि ये एफ्रा बेन को बचपन से जानते हैं। सो ही क्लेम्ड दैट ही नोज एफ्रा बेन सिंस चाइल्डहुड। तो इन्होंने एक वर्क लिखा एडवर्सेरिया, ठीक है। कौन सा वर्क लिखा? एडवर्सेरिया। और एडवर्सेरिया में इन्होंने कहा कि जो इनके फादर थे उनका नाम था मिस्टर जॉनसन, और ये कैंटरबरी में बोर्न हुई थी। कैंटरबरी का एक विलेज है स्टरी, वहाँ पर ये बोर्न हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ, ये जो दो डिस्क्लेमर हमने पढ़े, एक तो चार्ल्स गिल्डन का और एक हमने अभी थॉमस कॉलपेपर को देखा, तो इनसे हमें कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि इनके फादर का नाम जॉनसन था। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एफ्रा बेन केम टू नोटिस ऑफ चार्ल्स टू, हु एम्प्लॉयड हर एज अ स्पाई इन एंटवर्प। किंग चार्ल्स टू ने जब एफ्रा बेन को देखा, तो उनको एफ्रा बेन काफ़ी ट्रस्ट वर्दी लगी, तो इसी वजह से चार्ल्स टू ने एफ्रा बेन को एज अ स्पाई एंटवर्प में भेज दिया। तो एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है? एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि जब एफ्रा बेन एज अ स्पाई एंटवर्प में गई थी, तो वो किन के बिहाफ पर गई? तो आपको बताना है चार्ल्स टू के बिहाफ पर। ओके, और कहाँ पर उन्होंने एज अ स्पाई वर्क किया? एंटवर्प में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक
ठीक है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, देखिए, हर कोड नेम वॉज एस्ट्रिया। जब किंग चार्ल्स टू ने एफ्रा बेन को एंटवर्प में भेजा, तो उस टाइम पर एंटवर्प में एफ्रा बेन एज अ स्पाई काम कर रही थी। अब देखिए, जब भी कोई एज अ स्पाई काम करता है, तो उनको या तो कोई कोड नेम दिया जाता है या फिर कोई कोड वर्ड दे दिया जाता है। तो यहाँ पर एफ्रा बेन को एक कोड नेम दिया गया एस्ट्रिया का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान रखना है, एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि एफ्रा बेन का एज अ स्पाई कोड नेम क्या था, वो था एस्ट्रिया। अ नेम अंडर विच शी पब्लिश्ड मैनी ऑफ हर वर्क्स, ओके, इस नाम के अंडर इन्होंने अपने काफ़ी सारे वर्क्स बाद में प्रोड्यूस भी किए, बाद में पब्लिश किए। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर रीजन बताया गया है कि इनको एज अ स्पाई एंटवर्प में क्यों भेजा गया, जस्ट बिकॉज उस टाइम पर सेकेंड एंग्लो डच वॉर ब्रेक डाउन हो गया था बिटवीन इंग्लैंड एंड नीदरलैंड्स इन 1665, एंड आफ्टर दैट इन 1666 एफ्रा बेन को एज अ स्पाई एंटवर्प में भेज दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट है, एक सेकेंड, नेक्स्ट, अनरिवॉर्डेड एंड इम्प्रीजेंड फॉर डेट। अनरिवॉर्डेड का मतलब क्या है कि जब एफ्रा बेन को एज अ स्पाई भेजा गया, तो किंग चार्ल्स टू ने एफ्रा बेन को रिवॉर्ड नहीं दिया, मतलब ना इनको पैसे दिए, ना फैमिली सिक्योरिटी दी वाइल्स शी वॉज इन एब्रोड उस टाइम पर, ना ही एब्रोड में रहने के लिए एफ्रा बेन को पैसे दिए गए। ऑल दो देखा जाए तो ये किंग चार्ल्स टू की ड्यूटी बनती थी कि वो एफ्रा बेन को पैसे प्रोवाइड करे, उनको रिवॉर्ड करे, बट एफ्रा बेन को कुछ भी रिवॉर्ड नहीं दिया गया एंड उनके पास पैसों की शॉर्टेज हो गई। तो इसी वजह से एफ्रा बेन जो है वो डेट के अंडर आ गई थी, और उनके पास वो डेट का पैसा चुकाने के लिए उनके पास कुछ पैसे नहीं थे, या ये कह लो कि वो डेट के अंडर इतना डूब गई थी कि उनको उनके अगेंस्ट कुछ केसेस चले और उनको इम्प्रीजन भी किया गया था। तो हमने ये देखा था ना कुछ पहली स्लाइड्स में कि एफ्रा बेन पहली ऐसी फीमेल राइटर हैं जिन्होंने, देखिए यहाँ पर जैसे हमने देखा था, शी वॉज द फर्स्ट इंग्लिश वुमेन नोन टू अर्न हर लिविंग बाय राइटिंग। इसका रीजन ही यही था कि चार्ल्स टू ने इनको रिवॉर्ड नहीं दिया, एंड इफ ही पेड एट ऑल, इफ किंग चार्ल्स टू पेड एट ऑल, ही वॉज स्लो इन पेइंग ईदर फॉर हर सर्विसेज एज अ स्पाई और फॉर हर एक्सपेंसिज वाइल्स एब्रोड। मतलब अगर किंग चार्ल्स टू ने पैसा दिया भी था, ही वॉज क्वाइट स्लो, और वो जो पैसा था वो एफ्रा बेन के लिए अब्रॉड में रहने लायक नहीं था, क्योंकि वो पैसा का जो अमाउंट था वो बहुत कम था। तो इसी वजह से एफ्रा बेन जो है वो ऋण के नीचे डूब गई थी, और उनको इसी वजह से इम्प्रीजन भी किया गया था, क्योंकि उनके पास डेट का पैसा चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। एंड दिस वॉज द रीज़न इन्होंने अपनी राइटिंग शुरू की, एंड इसीलिए कहा जाता है कि ये पहली ऐसी राइटर थी या ऐसी फीमेल राइटर थी जिन्होंने राइटिंग के थ्रू या अपनी यू नो बाय पब्लिशिंग बुक्स शी अर्न हर लाइवलीहुड, मतलब इन्होंने पैसा कमाना शुरू किया। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, बेन हैड अ कैथलिक अपब्रिंगिंग, शी वंस सेड दैट शी वॉज डिजाइंड फॉर नन, सो यू कैन से दैट शी वॉज क्वाइट फैनेटिक इन हर ओन रिलीजन। और इनके बहुत सारे कैथलिक फ्रेंड्स भी थे, जिसमें से नाम आता है हेनरी नेविल का। हेनरी नेविल का नाम मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इनको छोटा सा पार्ट इनका हम डिस्कस कर लेते हैं। हेनरी नेविल का अगर हम लाइफ स्पैन देखें, देन दैट इज 1620 to 1694। वैसे तो ये माइनर राइटर हैं, लेकिन इनको पढ़ना जरूरी है, इनके दो वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे जो माइनर राइटर है ना, वो हम बीच बीच में करते जाएंगे, तो इनके लिए आप अलग से नोट्स बना लेना। ओके, हेनरी नेविल एक इंग्लिश पॉलिटिशियन, ऑथर, सटायरिस्ट रहे हैं। इनके जो दो वर्क हैं जो आपको याद रखने हैं, फर्स्ट वन इज द टेल ऑफ शिपरेक एंड डिस्टोपिया। ओके, नेक्स्ट वर्क जो आपको याद रखना है, देन दैट इज द आइल ऑफ पाइंस, जिसे पब्लिश किया गया था 1688 में।
तो ये दो वर्क आपको याद रखने हैं। हेनरी नेविल का अगर हम थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखें तो हेनरी नेविल क्रोमवेल के अपोजिशन में थे, और जब रेस्टोरेशन हुआ तो इनको अरेस्ट कर लिया गया था। और अरेस्ट करने का रीज़न क्या था? अरेस्ट करने का रीज़न था कि इनके ऊपर, हेनरी नेविल के ऊपर ट्रेजनेबल प्रैक्टिसेस लगा दी गई थी। ओके, बस आपको इतना ही इनके बारे में याद रखना है। यहाँ पर हम थोड़ा सा बेन की स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से बेन ने इस नॉवेल को लिखा, उरुनो को। ओके, बेन और जो उनकी पूरी फैमिली है वो सब लोग एक स्मॉल इंग्लिश कॉलोनी है विली बे, इसमें जा रहे थे। इनकी जर्नी थी बेन एंड इनकी पूरी जो फैमिली है, लाइक फादर, मदर एंड हर सिबलिंग्स, ये सब लोग इस कॉलोनी में जब जा रहे थे उस टाइम पर, इस जर्नी में जो बेन के फादर हैं ही डाइड ओवर देयर एंड रेस्ट फैमिली सर्वाइव कर गई थी। ओके, अच्छा एक चीज़ और, जो विली बे है इसको डच ने कैप्चर कर लिया था और इसी को दोबारा से नाम दिया गया सरीनाम। ठीक है, ये याद रखना, आपने बहुत बार इंग्लिश लिटरेचर में ये नाम सुना होगा सरीनाम। सरीनाम जो है वो विली बी, जो स्मॉल इंग्लिश कॉलोनी है इसी का ही नाम है। जब विली बी को डच ने कैप्चर कर लिया था तब उसे ये नाम दिया गया था डच के द्वारा। ओके, तो जब बेन एंड उनकी फैमिली विली बी जा रहे थे उस टाइम पर, जो उनके फादर थे बार्थोलोम्यू जॉनसन, ही डाई यू नो ऑन द जर्नी, बट हाउ एवर जो रेस्ट फैमिली थी दे सर्वाइव्ड। एंड उस टाइम पर जर्नी में बेन जो है उनकी मुलाकात हुई एक अफ्रीकन स्लेव लीडर से। ऐसा कहा जाता है कि उनका नाम है उनका नाम था उरुनोको, और इसी वजह से इन्होंने अपने नॉवेल का नाम भी दिया है उरुनोको। और जब इन्होंने ये नॉवेल लिखा तो उस टाइम पर बेन गिव्स हरसेल्फ द पोजीशन ऑफ नरेटर, इन्होंने एज अ नरेटर इस वर्क को प्रोड्यूस किया है, पब्लिश किया है। लेकिन अगर हम एविडेंसेस की बात करें ना, तो एविडेंसेस नहीं है कहीं भी कि एक्चुअल में उरुनोको नाम का कोई इंसान था भी या नहीं था, या कुछ ऐसा जो है स्लेव रिवोल्ट उस टाइम पर हुआ था या नहीं हुआ था, एविडेंसेस नहीं मिले हैं। बट ऐसा कहा जाता है कि जब जो बेन है उनकी जब जर्नी थी इस स्मॉल इंग्लिश कॉलोनी विली बे में, उस टाइम पर जर्नी के दौरान ये एक अफ्रीकन स्लेव लीडर से मिली थी और उन्हीं से इंस्पायर होकर इन्होंने उरुनोको नॉवेल को लिखा था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एफ्रा बेन वॉज मोनार्किस्ट, ये मोनार्किस्ट रही हैं। शी वॉज सच अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, एंड इनकी हमेशा से स्टुअर्ट्स डायनेस्टी के साथ एक सिंपथी रही है, एंड इन्होंने स्टुअर्ट्स डायनेस्टी को सपोर्ट किया, पर्टिकुलरली फॉर कैथलिक ड्यूक ऑफ यॉर्क। सो यू कैन से दैट शी वॉज क्वाइट डेडिकेटेड टूवर्ड्स किंग चार्ल्स टू, और इन्होंने किंग चार्ल्स टू के लिए अपना वर्क द रोवर भी डेडिकेट किया। एज पॉलिटिकल पार्टीज एमर्ज्ड, उस टाइम पर दो पॉलिटिकल पार्टी एमर्ज हुई थी, एक तो थे टोरीज एंड दूसरी तरफ थे विग्स, है ना। तो जो एफ्रा बेन थी शी वॉज अ सपोर्टर ऑफ टोरीज, बेन बिकेम अ टोरी सपोर्टर, ये टोरी सपोर्टर थी, एंड शी ऑफन यूज्ड हर राइटिंग टू अटैक द पार्लियामेंट्री विग्स क्लेमिंग, मतलब ये कुछ ऐसे वर्क्स लिखा करती थी जो विग्स सपोर्टर के अगेंस्ट होते थे। शी वॉज सच अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ स्टुअर्ट्स लाइन दैट शी डिक्लाइंड एन इन्विटेशन फ्रॉम बिशप बर्नेट टू राइट अ वेलकमिंग पोएम टू द किंग विलियम ऑफ ऑरेंज। जब विलियम ऑफ ऑरेंज जो थे उनको थ्रोन पर असेंड किया गया, उस टाइम पर जो बिशप बर्नेट थे उन्होंने एफ्रा बेन को एक इन्विटेशन भेजा कि वो विलियम ऑफ ऑरेंज के लिए एक वेलकमिंग पोएम लिखें। एंड उस टाइम पर एफ्रा बेन वॉज सच अ स्टॉन्च सपोर्टर दैट शी डिक्लाइंड दिस इन्विटेशन, इन्होंने इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि किस तरीके से वो एक जो स्टुअर्ट्स लाइन है उनके लिए कितनी वफादार थी, कितनी ट्रस्टवर्दी थी। नाउ नेक्स्ट, किंग चार्ल्स टू वॉज स्लो इन पेइंग, वी हैव ऑलरेडी डन दिस कि किंग चार्ल्स टू ने जब एफ्रा बेन
अब्रोड थी उस टाइम पर, उनको कुछ पे नहीं किया, ना उनके एक्सपेंसेस दिए, ना उनको उनकी सर्विस का रिवार्ड दिया, तो इसी वजह से बेन को कुछ पैसे उधार लेने पड़े थे सो दैट शी कुड रिटर्न टू लंदन। इनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि ये लंदन भी आ सकें। फोर्स्ड बाय डेट एंड हर हस्बैंड्स डेथ। अब यहाँ पर जैसे ही इन्होंने पैसे उधार लिए, अब इनके पास एफ्रा बेन के पास पैसे तो नहीं थे वो ऋण चुकाने के लिए, तो इसीलिए ये डेट के अंडर जो है वो दब चुकी थी, प्लस इनके हस्बैंड की डेथ भी हो गई थी, तो वो बहुत ही ट्रेजिक डेज थे इनके लिए। एंड उस टाइम पर बेन बिगेन टू वर्क फॉर किंग्स कंपनी एंड ड्यूक्स कंपनी। उस टाइम पर बेन ने राइटिंग शुरू की किंग्स कंपनी के लिए, ड्यूक्स कंपनी के लिए। और इसी टाइम पर अगर हम बात करें जॉन पामर की, जॉन पामर जो हैं वो एक लाइन लिखते हैं इनके लिए, एफ्रा बेन के लिए। वो लिखते हैं, मिसेस एफ्रा बेन रोट फॉर अ लाइवलीहुड, प्ले राइटिंग वॉज हर रेफ्यूजी फ्रॉम स्टारवेशन एंड अ डेब्टर्स प्रिजन। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जॉन पामर जो हैं वो एफ्रा बेन की कंडीशंस बताते हैं कि इन्होंने किस कंडीशन में लिखना शुरू किया। तो इन्होंने कहा कि जो मिसेस बेन हैं इन्होंने लाइवलीहुड के लिए मतलब कमाने के लिए इन्होंने लिखना शुरू किया, प्लस इन्होंने जो प्ले राइटिंग की, तो जो इनकी प्ले राइटिंग थी दैट वॉज काइंड ऑफ अ रेफ्यूजी, और यू कैन से दैट शी कुड रेस्क्यू हर सेल्फ फ्रॉम स्टारवेशन एंड डेट, सो दैट इज वाई शी स्टार्टेड राइटिंग। तो आपको वो कोट याद करनी है, ये किसने लिखी थी? जॉन पामर ने। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। बेन रोट वेराइटी ऑफ जॉनराज। अब जैसे कि मैंने बताया था कि इन्होंने ऐसे थीम या ऐसे जॉनराज पर काम किया जो उस टाइम पर मेल राइटर किया करते थे, जैसे कि इरोटिक पोइट्री, सोशल पोइट्री, आउटस्पोकन पॉलिटिकल वर्सेस। तो ऐसे व्यूज उस टाइम पर मेल पोइट्स के द्वारा दिए जाते थे, बट बेन वॉज सच अ वोकल फीमेल राइटर कि इन्होंने इन सभी थीम्स को उठाकर अपने वर्क में लिखा। हर पोएम्स एंड प्लेज कॉन्स्टेंटली रीवर्कड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इश्यूज। इन्होंने पॉलिटिकल इश्यूज जो है अपने वर्क में दिखाए जो रिसेंट पास्ट में हो रहे थे या फिर उससे पहले हो चुके थे। जैसे कि दो इनके वर्क हैं, सर पेशेंट फैंसी, और सेकंड वर्क है द राउंड हेड्स, और इसी का सब टाइटल है द गुड ओल्ड कोज। एफ्रा बेन वॉज अ सक्सेसफुल ऑथर एट अ टाइम व्हेन फ्यू राइटर्स, स्पेशली इफ दे वर वुमेन, कुड सपोर्ट देमसेल्व सोली थ्रू देयर राइटिंग। देखिए एफ्रा बेन जो है ना वो लेटर जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल की तरह सामने आई, और एफ्रा बेन ने इन सभी जो यहाँ पर मैंने ये थीम्स दिखाए हैं या जो ये जोनराज हैं इन पर लिखा, तो उस टाइम पर अदर जो फीमेल राइटर्स थी वो इनसे काफ़ी इंस्पायर हुई थी। और अगर हम इनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स की बात करें तो उन कंटेम्प्रेरी राइटर्स में एक एफ्रा बेन ही इतनी वोकल थी जिन्होंने ऐसे थीम्स उठाए जो उस टाइम पर उस एरा में मेल पोइट्स लिखा करते थे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम बात करेंगे वर्जीनिया वुल्फ के बारे में। वर्जीनिया वुल्फ वॉज द सिमिलर फ्री थिंकिंग फीमेल नॉवेलिस्ट लाइक एफ्रा बेन, एंड शी प्रेजिज एफ्रा बेन बाय राइटिंग दिस। वर्जीनिया वुल्फ आस्क ऑल द विमेन राइटर्स टू लेट द फ्लावर्स फॉल अपॉन द टूम्ब ऑफ एफ्रा बेन, एंड नॉट ओनली दिस, वर्जीनिया वुल्फ सेज दैट बेन प्रूव्ड मनी कुड बी मेड बाय राइटिंग एट द सेक्रीफाइस, एंड शी सेज दैट यू नो बाय डिग्रीज राइटिंग बिकेम नॉट मेयरली अ साइन ऑफ फॉली एंड अ डिस्ट्रैक्टेड माइंड बट वॉज ऑफ प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस। सो दिस इज हाउ वर्जीनिया वुल्फ प्रेजिज एफ्रा बेन। इसके बाद हम बात करेंगे कैरल हावर्ड के बारे में। कैरल हावर्ड ने एक ऐसे लिखा था डिक्शनरी ऑफ लिटररी बायोग्राफी, तो यहाँ पर इन्होंने बेन को प्रेज किया है, और ये लाइन जो है ये इम्पोर्टेंट है इसमें, इट वॉज शी हु अर्नड देम द राइट टू स्पीक देयर माइंड्स। जैसा कि हमने बात की थी कि जो बेन थी वो ऐसे जोनराज पर काम करती थी जो मेल राइटर्स लिखा करते थे, सो बेन पुट फॉरवर्ड ऑल दोज स्टफ व्हाट कम्स इन हर माइंड। मतलब वो किसी ऐसी चीज़ से डरती नहीं थी। उन्होंने वुमेन सेक्सुअल डिज़ायर के बारे में बात की, मेल इम्पोटेंसी के बारे में बात की,
तो बेन ने उन सभी जोनराज पर काम किया जो उस टाइम पर फीमेल राइटर्स उन जोनराज पर काम नहीं करती थी, बट यू नो बेन वॉज द फर्स्ट राइटर हु रोट वट एवर कम्स इन हर माइंड। फिर 1970s में बेन के लिटरेरी वर्क को री इवेल्यूएट किया गया और फिर बाद में इनके वर्क रीपब्लिश किए गए, जैसे कि 1967 में द रोवर को रीपब्लिश किया गया, 1973 में उरुनो को वॉज रीपब्लिश, 1987 में लव लेटर्स बिटवीन अ नोबल मैन एंड हिज सिस्टर्स वॉज पब्लिश्ड अगेन, एंड 1988 में द लकी चांस वॉज रीप्रिंटेड। जैसा कि अभी हमने कैरल हावर्ड एंड वर्जीनिया वुल्फ के बारे में बात करी, लाइक हाउ दीज टू प्रेज्ड एफ्रा बेन, सो इन द सेम वे एडमंड गूज एंड अलेक्जेंडर पोप ऑल्सो प्रेज्ड एफ्रा बेन बाई पुटिंग सम रिमार्क्ड फॉरवर्ड। जैसे कि एडमंड गूज ने लिखा, हर सक्सेस डिपेंडेड अपॉन हर एबिलिटी टू राइट लाइक अ मैन, एंड अलेक्जेंडर पोप लिखते हैं, द स्टेज हाउ लूजली डज एस्ट्रिया ट्रेड हु फेयरली पुट्स ऑल द कैरेक्टर्स टू बेड। दैट मीन्स कि देखिए जो जो ये थी एफ्रा बेन थी, इन्होंने जितना भी वर्क लिखा ना वो बड़ी निडरता के साथ लिखा। ओके इन्होंने उन सभी कल्चरल बैरियर्स को ब्रेक डाउन किया जो उस टाइम पर विमेन पर लगाए हुए थे, तो इसी वजह से एडमंड गूज एंड अलेक्जेंडर पोप एफ्रा बेन को प्रेज करते हैं। तो आपको ये दोनों कोट याद रखनी है। अब हम इनके वर्क्स की बात करते हैं, फटाफट से इनके वर्क्स देख लेते हैं। और एक चीज़ और, जो ये सब टाइटल दिए हुए हैं इनको भी आपने ध्यान में रखना है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सब टाइटल्स पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट वर्क द फोर्स्ड मैरिज, इसी का सब टाइटल है द ब्राइड, सॉरी द जेलस ब्राइड ग्रूम, 1670 में से पब्लिश किया गया। सेकेंड वर्क है द अमोरस प्रिंस द क्यूरियस हस्बैंड 1671, द डच लवर एब्डेलेजर द मूर्स रिवेंज 1676 में, द टाउन फोब और सर टिमोथी टोडराय दैट वॉज पब्लिश्ड इन 1676, द रोवर, इसके दो पार्ट थे, एक पार्ट 1677 में, दूसरा पार्ट 1681 में पब्लिश किया गया, सर पेशेंट फैंसी 1678 में, द राउंड हेड्स और द गुड ओल्ड कोज 1681 में, जिसमें इन्होंने पॉलिटिकल इश्यूज की बात किया, लाइक फादर लाइक सन 1682 में, द एम्परर ऑफ द मून 1687 में पब्लिश किया गया। अब इनके नॉवेल्स की बात करते हैं, लव लेटर्स बिटवीन अ नोबल मैन एंड हिज सिस्टर्स, इसको थ्री पार्ट्स में लिखा गया, तो इसका थ्री पार्ट्स का कुछ ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं है, बट 1682 टू 1687 के बीच में इसको कंप्लीट किया गया। देन शी रोट उरुनो को 1688 में से पब्लिश किया गया। शॉर्ट स्टोरीज एंड नोवेलाज की बात करें, द हिस्ट्री ऑफ द नन एंड फेयर वो ब्रेकर 1688 में, द डम वर्जिन और द फोर्स ऑफ इमेजिनेशन 1700 में से पब्लिश किया गया। पोइट्री की बात करते हैं, अ वॉयज टू द आइलैंड ऑफ लव, लिसिडस, यहाँ पर DUS लगा लेना, ओके और इसी का सब टाइटल है द लवर इन फैशन, इसे 1688 में पब्लिश किया गया। अब थोड़ा सा इसके इनके जो वर्क है ना उनका थोड़ा सा थीम जान लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके के जोनराज पर या किस तरीके की थीम को लेकर एफ्रा बेन ने काम किया। द फोर्स्ड मैरिज, इसी में हमें थीम का पता चलता है किस तरीके से। देखिए ये रोमांटिक ट्रेजेडी इन्होंने लिखी अरेंज्ड मैरिज पर, तो इन्होंने अरेंज मैरिज का सिनोनिम क्या दिया, फोर्स्ड मैरिज। तो देखिए यहाँ पर ये वर्ड लिखा है ना फोर्स्ड मैरिज, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज पर अटैक कर रही हैं। सो शी वॉज अगेंस्ट अरेंज्ड मैरिजेस, शी सेड कि जो अरेंज्ड मैरिजेस हैं इसके काफ़ी सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। और अगर हम रियल में बात करें, रियलिटी में बात करें, तो आज की जनरेशन में भी आप देख सकते हो दैट पीपल आर लेस विलिंग इन टू अरेंज्ड मैरिजेस, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन लव मैरिजेस। तो आपके लिए ये चीज़ याद रखनी भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, लेकिन ये तो बात हम आज की कर रहे हैं। लेकिन अगर हम रेस्टोरेशन एरा की बात करें, तो देखिए उस टाइम पर एफ्रा बेन के अंदर इतनी हिम्मत थी या इतनी ताकत थी कि उन्होंने फोर्स्ड मैरिज में अरेंज्ड मैरिज को अटैक किया। मतलब सोचिए आप, उस टाइम पर उस एरा में इन्होंने कहीं ना कहीं विमेन के राइट्स की बात की। फिर इन्होंने बाद में द एमोरस प्रिंस को पब्लिश किया, इसमें भी इन्होंने अरेंज मैरिजेस के हार्मफुल इफेक्ट्स की बात की। बेन डिड नॉट हाइड द फैक्ट दैट शी वॉज अ वुमन,
वेन द डच लवर वॉज स्टेज्ड, जब डच लवर स्टेज पर लाई गई, दिखाई गई, उस टाइम पर क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा सैबोटाज किया, उस टाइम पर तोड़फोड़ मचाई. क्यों? क्योंकि वो वर्क एक वुमेन के द्वारा लिखा गया है, इसी वजह से. अब इसका रिप्लाई बेन ने अपने दूसरे वर्क में दिया, इन द एपिस्टल टू द रीडर. तो बेन ने अपने क्रिटिक्स को बहुत अच्छे से हैंडल किया, एंड शी सेड कि ये जो वुमेन के साथ अनजस्ट होता है, नॉट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ देयर एबिलिटी, जस्ट बिकॉज कि उनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है, उनको सप्रेस किया जाता है. बेन यहाँ पर कहती हैं कि जो वुमेन है उनको एजुकेशन से या उनके राइट से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, इसीलिए नहीं कि उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, उनके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, बल्कि सिर्फ इसीलिए क्योंकि वुमेन को जनरेशन टू जनरेशन सप्रेस किया जाता है, अंडर एस्टिमेट किया जाता है. तो यहाँ पर वो वुमेन राइट की बात करती हैं. इन द इन फेमस पोएम द डिसअपॉइंटमेंट शी रोट अ कॉमिक अकाउंट ऑन मेल इम्पोर्टेंस फ्रॉम अ वुमेन परस्पेक्टिव. ये यहाँ पर फिर से वुमेन परस्पेक्टिव की बात करती है कि वुमेन की अपनी भी कुछ डिज़ायर्स होती हैं और यहाँ पर वो मेल इम्पोर्टेंस को शो करती हैं. तो देखिए कितने जो कंट्रोवर्शियल जोनरा थे उन पर इन्होंने काम किया. नेक्स्ट है द डच लवर, इसमें इन्होंने फीमेल सेक्सुअल डिज़ायर को शो किया है. देखिए 1682 में बेन ने एक वर्क प्रोड्यूस किया द गुड ओल्ड कोज. इसमें इन्होंने रिपब्लिकन पार्लियामेंटेरियंस को रिडिक्यूल किया, इनके अगेंस्ट अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखे. और इसी टाइम पर सेम ईयर में अगेन बेन लैंडेड अप इन ट्रबल. हाउ? बिकॉज इन्होंने एक पोलेमिक लिख डाला अगेंस्ट ड्यूक ऑफ मैनमूथ, जो कि चार्ल्स टू के इलेजिटिमेट सन थे. पोलेमिक का मतलब भी क्या होता है कि जब किसी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बोले जाएं या पीस ऑफ राइटिंग लिखी जाए, उसे पोलेमिक कहते हैं. फिर इनका नेक्स्ट वर्क है लाइक फादर लाइक सन फेल्ड मिजरेबली, कि इसका टेक्स्ट कभी पब्लिश ही नहीं हुआ. 1688 में इन्होंने इन द सेम ईयर, जब इनकी डेथ से पहले की अगर हम बात करें, तो इन्होंने ट्रांसलेशन शुरू की और इन्होंने एक फ्रेंच वर्क को ट्रांसलेट किया, अ डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ड्स, जो कि एक ट्रांसलेशन थी फ्रेंच वर्क का. फिर इन्होंने फाइनल डेज में अब्राहम काउले का वर्क सिक्स बुक्स ऑफ प्लांट्स, इसको ट्रांसलेट किया. बेन डाइड On April 16, 1689. हर एडमायरर पेड फॉर अ टूम स्टोन विद एन एपीटैफ दैट रीड. अब ये ध्यान रखना कि इनकी एपीटैफ, जो इनकी टूम है, उस पर क्या लिखा हुआ था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हेयर लाइज अ प्रूफ दैट विट कैन नेवर बी डिफेंस इनफ अगेंस्ट मोरेलिटी. ये क्वेश्चन आ सकता है, एपीटैफ वगैरह पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते. अगर हम एफ्रा बेन को सम अप करें, देन वी कैन से दैट एवरीबडी हैज़ प्रेज्ड एफ्रा बेन फॉर बीइंग सो विटी, फॉर बीइंग सो वोकल, एंड फॉर राइटिंग एवरीथिंग व्हाट कम्स इन हर माइंड. अगर हम इनकी अर्ली लाइफ की बात करें, हर अर्ली लाइफ वॉज क्वाइट ओब्लिवियन, और उस टाइम पर विमेन राइटर्स को इतना रिकग्निशन नहीं मिलता था. इनफैक्ट टिल द 19th century, यस, इनफैक्ट टिल द 19th century वीमेन राइटर्स वर नॉट टेकन सीरियसली. इनको एक कमोडिटी माना जाता था, एक एंटरटेनमेंट एंड प्लेजर का साधन माना जाता था. सो एफ्रा बेन लिव्ड इन दिस काइंड ऑफ अ वर्ल्ड, सो दीज थिंग्स समवेयर टफंड हर, टेम्पर्ड हर, एंड शी अर्ज्ड एवरी वीमेन टू स्पीक एंड फाइट फॉर देयर राइट्स. तो इस तरीके से हम एफ्रा बेन को सम अप कर सकते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक हम नियो क्लासिकल का करेंगे, हम एज, नियो क्लासिकल एज को पढ़ेंगे और अलेक्जेंडर पोप के बारे में पढ़ेंगे, और जितने भी आगे आने वाले राइटर्स हैं उसको हम वन बाय वन एवरी वीडियो में कंप्लीट करेंगे. तो आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, एंड टेलीग्राम अकाउंट पर मेरे साथ जुड़ना, जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड हो जाया करेंगी. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और अगर आपकी कोई ऐसी क्वेरी है जहाँ पर आपको लगता है कि आपके कुछ ऐसे डाउट हैं रिगार्डिंग दिस वीडियो, यू कैन राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू. दिस साइड प्रियंका गौर. आई विश यू ऑल द बेस्ट. गुड लक.